नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास पगे। आईपीएल में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत बड़ी बड़ी पारियां देखी, बहुत अच्छे बॉलिंग स्पेल्स देखे, लेकिन आज हम आपको उस वाक्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो आईपीएल 2022 के मैच नंबर 68 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में इस मैच में हुआ। दरअसल इस मैच में है था तो ये T20 मैच, लेकिन हमें टेस्ट क्रिकेट देखने को मिला। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट देखने को मिला। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उस समय कमेंटेटर्स ने कही थी जब फील्ड पर टेस्ट क्रिकेट का पूरा माहौल बन चुका था। लेकिन इस टेस्ट क्रिकेट से पहले, क्योंकि इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीती थी और बैटिंग का फैसला लिया था, तो उनके जो ओपनर्स थे डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, वो उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए, उसके बाद आए मोइन अली, और मोइन अली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और इतना अच्छा खेल रहे थे कि पावर प्ले में जो स्कोर है वो 70 प्लस का हो चुका था। तो अब राजस्थान रॉयल्स की टीम तो ये सोच रही थी कि अब कैसे रोका जाए। बॉलिंग के लिए कप्तान संजू सैमसन लेकर के आए युजवेंद्र चहल को, और युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी से जो है मोइन अली को भी फंसा लिया, मोइन अली के पैर भी पकड़ लिए, और वहीं जो है डेवन कॉनवे को भी ज्यादा कुछ करने नहीं दिया। युजवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी तो की ही, लेकिन स्लिप लगा करके अंबती रायडू का विकेट लिया तो ऐसा लगा कि मानो T20 IPL में टेस्ट मैच खेला जा रहा हो। जी हाँ, ये बात कमेंटेटर्स ने कही उस वक्त कि बिल्कुल टेस्ट जैसा माहौल लग रहा है। युजवेंद्र चहल ने एकदम क्लोज फील्ड लगाई थी जैसी हमें टेस्ट में फील्ड देखने को मिलती है, स्लिप पे लगा दिया था देवदत्त पाडिकल को, और अगली ही गेंद पर फंसाया भी अंबती रायडू को। देखिए, अंबती रायडू के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए और महेंद्र सिंह धोनी को भी बांध कर रखा, बहुत अच्छे से गेंदबाजी कर रहे थे, और महेंद्र सिंह धोनी को भी चहल की गेंदें खेलने में परेशानी हो रही थी, और परेशानी इस कदर बढ़ती गई कि महेंद्र सिंह धोनी का विकेट भी युजवेंद्र चहल ने इस मैच में लिया। अगर इस मैच में स्पेल की बात करें तो युजवेंद्र चहल ने अपने 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेट लिए, जिसमें अंबती रायडू का वो स्लिप वाला कैच और महेंद्र सिंह धोनी का विकेट शामिल था। युजवेंद्र चहल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट होल्ड कर रहे हैं, और पर्पल कैप अभी उनके ही पास है, और उम्मीद है कि आईपीएल 2022 का ये जो टूर्नामेंट है खत्म होते होते चहल के सर पर ही जो है पर्पल कैप बनी रहेगी। लेकिन युजवेंद्र चहल ने इस मैच में आईपीएल 2022 के 68वें मैच में टेस्ट मैच का पूरा फील ला दिया था, और इस टेस्ट मैच की फील का ही ये प्रभाव था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जिस बुलेट ट्रेन की गति से अपना स्कोर बढ़ा रही थी, पावर प्ले में ही 70 प्लस स्कोर कर चुकी थी, वो टीम 20 ओवर खत्म होते होते जो है 150 ही रन बना पाई, जिससे राजस्थान रॉयल्स के लिए चेस करना आसान हो गया। तो युजवेंद्र चहल ने अपनी कमाल की गेंदबाजी से T20 के इस क्रिकेट में, T20 के इस मैच में, IPL के इस मैच में टेस्ट का माहौल बना दिया, और पर्पल कैप की जो लिस्ट है उसमें भी टॉप पर है, और शायद इस सीजन जो है पर्पल कैप उन्हीं के नाम रहेगी। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या युजवेंद्र चहल IPL 2022 में पर्पल कैप जीत सकते हैं, क्या उन्हीं के नाम रहने वाली है, यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, स्पोर्ट्स और IPL से जुड़ी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।